हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्लास फोर्थ SST चैप्टर 1 नदन माउंटेन्स एंड प्लेन का पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 में हम मिडल हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हमने ग्रेटर हिमालयस के बारे में बात की थी। हमने वहाँ देखा था कि वहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं और उन ग्लेशियर्स से हमारी बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ठीक है। और हमने देखा था कि वहाँ पे बहुत सारे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है। और हमने ये भी देखा था कि माउंट एवरेस्ट जो है वो इंडिया में लाई नहीं करता, नेपाल में लाई करता है। और जो हमारे ग्रेटर हिमालयाज है वहाँ पे बहुत सारे मिडोज हैं, जहाँ पे गर्मियों के दौरान जो है वो जानवर जो है वहाँ चढ़ने के लिए आते हैं। और वहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं उनकी जो कम हाइट्स होती है वो 6000 मीटर्स तक होती है। तो उसी तरह से आज हम मिडल हिमालयाज पढ़ेंगे। मिडल हिमालयाज को हम लोग लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं। जैसे हमने ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री बोल रहे थे, वैसे ही मिडल हिमालयाज को हम लेसर हिमालयाज और हिमाचल रेंज भी बोलते हैं। दिस रेंज इज लोकेटेड बिटवीन हिमाद्री एंड शिवालिक। हमने बताया था कि जो हिमालयाज है उनको 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे ऊपर जो होती है वो होती है हमारी ग्रेटर हिमालयाज या फिर हिमाद्री, उसके बाद आती है हमारी मिडल हिमालयाज या फिर हिमाचल, उसके बाद जो आती है वो हमारी आती है शिवालिक, राइट, या फिर इनको आउटर हिमालयाज भी बोला जाता है। तो आप देखिए ये हमारी शिवालिक हो गई है, राइट, ये जो है हमारी हिमाचल हो गई है और ये जो है हमारी हिमाद्री हो गई है, राइट। तो ये यही बोलना चाहता है कि जो हमारी हिमाचल रेंज होती है वो हिमाद्री और शिवालिक रेंज के बीच में होती है। और जिस तरह से हमने देखा था कि जो ग्रेटर हिमालयाज है या हिमाद्री है वहां पे 6000 मीटर्स ऊंचे ऊंचे एवरेज हाइट होती है माउंटेन्स की, उसी तरह से मिडल हिमालयाज में माउंटेन की हाइट क्या होती है, बिटवीन 3700 टू 4500 मीटर्स के जो हाई माउंटेन्स जो है वहां पे इतने एवरेज हाइट के पाए जाते हैं। अब ये हमने भी बोला कि जो हमारा मिडल हिमालयाज है वो हिमाद्री और शिवालिक के बीच में, तो इन बिटवीन द ये है। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जो जैसे जो 3 पैरेलल रेंजेस है, राइट, ये है हमारा हिमाद्री, ये है हमारा हिमाचल। तो हिमाद्री और हिमाचल के बीच में बहुत सारी वैलीज हैं। क्या होती है वैलीज? वैलीज होती है घाटी। क्या होती है? घाटी या फिर मैदान हम बोल सकते हैं। तो जो हमारी हिमाद्री और हिमाचल के बीच में जो वैलीज हैं या जो घाटियां हैं, जैसे कि कश्मीर वैली है, कुल्लू वैली है, ये इसके कुछ एग्जांपल है। देखिए कुल्लू वैली का फोटो तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको इस तरह से दिख रही है, ये कुल्लू वैली है। कौन सी वैली है? कुल्लू वैली है। देखिए इस तरह से घाटी। तो इसी तरह से कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारी हिमाद्री और हिमाचल के बीच में है, राइट। अब देखेंगे बहुत सारे ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। ये जो है हिल स्टेशंस ऐसी जगह होती है जहां आप अगर घूमने जाएंगे तो आपको इतना, आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे बिल्कुल नेचर की गोद में है, इन द लैप ऑफ नेचर, यानी आप बिल्कुल प्रकृति की गोद में, ऐसा लगेगा आपको पूरी तरफ हरियाली होगी और आपको इतना ब्यूटीफुल लगेगा और आपका मन एकदम खुश हो जाता है। तो मोस्टली जो है हम लोग हिल स्टेशंस घूमने जाते हैं, जैसे शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब इसी रेंज में आते हैं। तो हिमाचल रेंज में हमारे कौन कौन से हिल स्टेशन आते हैं? शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल और दार्जिलिंग। जिस तरह से हमने देखा था कि जो ग्रेटर हिमालयाज थे या हिमाद्री थी वहां पे जो है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी आ रहा था, उसी तरह से माउंट एवरेस्ट पे जो है बहुत सारे लोग माउंटेनियर्स से सबमिट करते हैं, है ना। उसी तरह से हमारी जो दूसरी रेंज हम लोग पढ़ रहे हैं हिमाचल रेंज या फिर मिडल हिमालयाज, इसमें हम देख रहे हैं कि हिमाद्री और हिमाचल के बीच में कुछ वैलीज होती है ना। और उसके साथ साथ इस रेंज में बहुत सारे, ये जो हमारी हिमाचल रेंज है, सेकेंड वाली हिमाचल रेंज, इसमें जो है बहुत सारे ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, जैसे कि शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल एंड दार्जिलिंग। तो ये सभी नाम आपको याद करने हैं, 2 वैलीज के नाम आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से हिल स्टेशन हमारे मिडल हिमालयाज या फिर हिमाचल रेंज में आते हैं वो हमें पता होनी चाहिए, यहाँ पे जो माउंटेन्स है उनकी एवरेज हाइट की रेंज हमें पता होनी चाहिए कि 3700 टू 4500, और इन्हें हम लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं और हिमाचल रेंज भी बोलते हैं, और ये हिमाद्री और शिवालिक के बीच में है और हिमाद्री और हिमाचल के बीच में भी बहुत सारी वैलीज हैं। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा।
और एक चीज, एक पॉइंट और हमारा रह रहा है कि जो मिडल हिमालयाज होते हैं आर कवर्ड विथ थिक कॉनिफरस फॉरेस्ट ऑफ ओक पाइन एंड डियोडार ट्रीज। अब देखिए, जैसे हमने देखा था कि जो ग्रेटर हिमालयाज है उस पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, उसी तरह से जो मिडल हिमालयाज है, हिमाचल रेंज जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे थिक कॉनिफरस फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट यानी जंगल, थिक यानी घने। अब कॉनिफरस क्या होते हैं? इस तरह के जो पेड़ होते हैं ना, जो इस तरह का शेप बनाए, ऐसे कोन जैसा शेप, तो वहां पर जो जंगल है वहां पे ज्यादातर हमें कॉनिफरस प्लांट मिलते हैं। तो इन कॉनिफरस प्लांट के बहुत घने घने जंगल पाए जाते हैं कहाँ पे? मिडल हिमालयाज में। अभी कॉनिफरस फॉरेस्ट में जैसे कॉनिफरस प्लांट के एग्जांपल हो गए, जैसे कि जिनका शेप इस तरह से कोन शेप का होता है, जैसे ओक ट्री, पाइन ट्री, डियोडार ट्री। तो आज का आपको होमवर्क है कि आपको नेट पे जाना है, ओक ट्री, पाइन ट्री, डियोडार ट्री और जितने भी कॉनिफरस ट्रीज होते हैं ना, इनकी इमेजेस आप देखना, आपको पता चलेगा उनकी इमेजेस जो है इस तरह से कुछ कोन शेप में होती है, जैसे हमारा कोन का शेप यही होता है ना, राइट? तो इस तरह से शेप में होता है। तो मिडल हिमालयस में जो है हमारे कॉनिफरस, घने कॉनिफरस जंगल पाए जाते हैं। तो उन कॉनिफरस जंगल में पेड़ होते हैं ओक ट्री, पाइन ट्री एंड डियोडार ट्री। तो आज का आपको होमवर्क है, आपको ये देखना है। और एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड 11th दिसंबर एज इंटरनेशनल माउंटेन डे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यूनाइटेड नेशन है, ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? तो ये इन्होंने जो 11 हर साल 11 दिसंबर को क्या डिक्लेयर किया, इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में हम मनाएंगे। जैसे हर साल 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं, उसी तरह से इन्होंने 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में घोषित किया है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि 11th ऑफ दिसंबर इंटरनेशनल माउंटेन डे। सो होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। सो इट्स पार्ट 4 ऑफ क्लास 4th SST चैप्टर नदन माउंटेन्स एंड प्लेन इज कंप्लीटेड। थैंक यू।